यहाँ पर महाकाल कॉरिडोर हम देख रहे हैं और मैं आपको लेके जा रहा हूँ अब दर्शन करके बाहर की तरफ। पीछे आप देख सकते हैं वहाँ मंदिर है, उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, सारी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, उसके दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए गाड़ियाँ चलती हैं जो कि आपको गेट तक लेके जाती हैं, बाकी ये है कि मैं आपको गेट तक लेके जा रहा हूँ। और अभी मैं नवनिर्मित बहुत ही सुंदर, देख सकते हैं आप बहुत ही सुंदर यहाँ पे सारे बना रखी हैं चीज़ें और मूर्तियाँ बना रखी हैं, शंकर भगवान की सारी लीला बताई रखी हैं यहाँ पर। और आगे हम चलते हैं, देख सकते हैं आप बहुत अलग अलग स्वरूप हैं इस तरह की, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ चल रही हैं, ये बैटरी स्वचालित गाड़ियाँ हैं जो कि बुज़ुर्गों के लिए हैं और दिव्यांगों के लिए हैं, ये देख सकते हैं। आगे देख सकते हैं शंकर भगवान का दूसरा रूप, बहुत सारे रूप। यहाँ पर शिप्रा नदी है इस तरफ, उसके मध्य में बनाया हुआ है बहुत ही सुंदर, वो आप देख सकते हैं। सामने है शिव स्तंभ जिसके चारों ओर ऋषि साधना करते हुए, देख सकते हैं फूलों से क्यारी सजा रखी है और पूरी जूम में अब आपको दिखा रहा हूँ मैं। आगे चलते हुए इधर महाकाल कॉरिडोर, अभी शाम को लाइटिंग हो जाती है तो बहुत ही सुंदर हो जाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ शाम को एक बार आके आपको फिर से दिखाऊंगा। और ये सामने आप देख रहे हैं ये गेट है, और ये देख सकते हैं बैटरी स्वचालित गाड़ी सिर्फ दिव्यांग और बुज़ुर्गों के लिए है। ये देख सकते हैं आप आग लगने की स्थिति में, ये देख सकते हैं आप मंदिर का रास्ता वहाँ है, और ये है बाहर का रास्ता नंदी द्वार, और ये देख सकते हैं इधर ये त्रिवेणी मंडपम। ये हम आ गए हैं यहाँ पे जो शिप्रा नदी के पास बनाया हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं खूबसूरत बनाया हुआ है पूरे रास्ते को, और बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है हम महाकाल कॉरिडोर में पूरे में। देख सकते हैं आप यहाँ कमेंट्री भी होती रहती है, बट ये देख सकते हैं आप ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है ये बीच। यहाँ पूरा बैठने का स्थान है श्रद्धालुओं के लिए, और यहाँ शंकर जी लोटस पॉन्ड है, ये लाइटिंग है रात में लाइटिंग होती है, ये है शंकर भगवान, और ये है चारों तरफ तरह का बहुत खूबसूरत। यहाँ ठंडक महसूस होती है अगर अब मैं गर्मी में आया हुआ हूँ के बाद भी बहुत अच्छा महसूस होता है। ये अलग से बनाया हुआ है पूरा चारों तरफ, आप परिक्रमा भी लगा सकते हैं। आगे मैं जा रहा हूँ एग्जिट की तरफ, यहाँ हर जगह मंत्र लिखे हुए हैं नीचे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मंत्र पूरे जगह लिखे हुए हैं। और ये आ गया हमारा गणपति जी से शुरू होते हैं ये, और ये एंट्री एग्जिट गेट, एंट्री गेट दोनों यही है। ये बढ़िया मूर्ति है यहाँ पर बाहर तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर बनाया हुआ है, आशा करता हूँ आपको पसंद आया हुआ होगा।